वेलकम डॉग लवर्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें फ्यूचर वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा आज आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट लीवर टॉनिक सप्लीमेंट्स के बारे में। आप लोगों की डिमांड है कि सर जैसे कि आपने इतने सारे सप्लीमेंट्स की वीडियो बनाई है तो ऐसे ही लीवर टॉनिक की भी वीडियो बनाई है, तो मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ। और देखिए सर, एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप सभी लोग कि लीवर टॉनिक जो है वो हमेशा नहीं देना है आपको अपने पपी के लिए, अपने डॉग के लिए। देखिए सर, अगर आपका डॉग, आपका पपी जो है वो हेल्दी है तो उसमें लीवर को कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद खुद एक रिजनेटिव कैपेसिटी है जिससे कि उसके डैमेज सेल तुरंत जो है बनने लगते हैं। अगर हम कोई चीज़ बाहर से दे रहे हैं जो वो रेडीमेड फॉर्म में मिल रहा है उसको, तो बॉडी में ऐसे ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि जो है वो ऐसे स्टेज में चला जाएगा कि वो बॉडी में वो चीज़ बन सकती है, बट बिकॉज हम एक्सटर्नल सप्लाई उसकी रेडीमेड फॉर्म में कर दे रहे हैं, इस कारण से अंदर वो चीज़ नहीं बनेगी लॉन्ग स्टेज में, एक दिन में नहीं कई बार, क्योंकि हम बहुत दिन से अगर ये बाहर सप्लीमेंटेशन करते रहेंगे नॉर्मली एज ए टॉनिक, तो क्या होगा कि जो अंदर का जो इंटरनल फैक्टर है जो कि जो है इस तरह के काम में एक्टिव रहता है, वो जो है इनएक्टिव हो जाता है। और वो जब इनएक्टिव हो जाएगा तो इमीडिएट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो काम नहीं करेगा और इससे जो है और भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके डॉग में, आपके पेट में स्ट्रेस कंडीशन है जिस समय लीवर को रियली में बाहर से ऐसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी सप्लीमेंट्स को तभी देना चाहिए। ओके, स्ट्रेस जैसे कि आपके डॉग को सिकनेस हो जाए, बीमार है, बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन कर रहा है, इसके अलावा जो है उसको जो है बाहर से जो है वैक्सीनेशन हो रही है तो वो भी एक स्ट्रेस है, डिवॉर्मिंग हो रही है तो वो भी एक स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर रहा है या काफ़ी ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है या बहुत ही कम है तो वो भी उसकी बॉडी को स्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट करेगा। तो जो भी फैक्टर जिससे स्ट्रेस डेवलप हो रही है आपके डॉग में, पपी में, वो उस कंडीशन में आपको एज ए सपोर्टिव टॉनिक की तरह लीवर टॉनिक को देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं लीवर के, तो उसमें देखिए कई सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर बेस्ट क्या है। और हमसे आप ही लोग हमेशा पूछते रहते हो कि सर बहुत सारे लीवर टॉनिक हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप प्लीज़ बता दीजिए मैं क्या ले लूँ। तो उसी का सलूशन है कि आप इस वीडियो को देखिए और मैं इसी वीडियो में आपको टॉप 5 लीवर सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे है, जो आप सब लोग जानते हैं, वो है लीवर 52। आप इसको देख सकते हैं, सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है हिमालय कंपनी का और ये अच्छा भी है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हेपा मस्ट है, ये भी अच्छा है। लिवोटास भी आप दे सकते हैं, ये भी बढ़िया है, इंटास कंपनी का है। लिवोफिराल पेट पेट है, वो भी आप दे सकते हैं, पेट के कंपनी का है। इसके अलावा विरबैक कंपनी का ब्रोटोन सिरप भी है जो कि लीवर टॉनिक के साथ साथ इसमें ईस्ट भी एडेड है, विटामिन भी एडेड है, तो ये मल्टी इफेक्ट करेगा, मतलब कि इसके साथ साथ लीवर को भी सपोर्ट करेगा, प्लस अगर कुछ भी विटामिन की कमी है तो उसको भी रिजनरेट करेगा और डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल बेनिफिट्स जो है इन इसका है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसमें बड़े जानवर की पिक्चर है तो क्या कुत्तों में दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, ये सभी के लिए इस तरह से बनाया गया है कि ये सभी के लिए, जितने भी बड़े एनिमल्स हो या छोटे एनिमल हो, सब में ये यूज़ कर सकते हैं। तो नो नीड, आपको वरी करने की बात नहीं, आप ब्रोटोन सिरप जो है अपने डॉग को, अपने कैट को दे सकते हैं। तो ये टॉप 5 सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको डायरेक्टली परचेस करना है, तो आप मेरे लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, लिंक को ओपन कीजिए और फिर डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक्स अगैन, नमस्ते।